नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हम देखेंगे इनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, इनका रिमूवल किस प्रकार होता है, इनका इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, और हम कुछ जानेंगे इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से कॉपी की है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबके पास जो जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी वो सब कुछ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी, ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। तो इसी प्रोसेस में हमने यूएसए से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो ली है। हालाँकि यूएसए में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे वीडियो में। फिलहाल हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनका इलेक्शन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुने जाते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसमें भी हम इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में हम उन्हीं को ऐड करते हैं जो कि इस इलेक्शन में वोट कर सकता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें अलग मेंबर्स को चुना जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में अलग अलग मेंबर्स को चुना जाता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें हमारे जितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उन सारे मेंबर्स को हम ऐड करते हैं। और इसमें दोनों तरीके के मेंबर्स को हम ऐड करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों या फिर वो इलेक्टेड मेंबर्स हों, जबकि प्रेसिडेंट वाले में ऐसा नहीं होता था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए अगर कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि उनकी एज होनी चाहिए मिनिमम 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से अगर वो कम है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वो बंदा इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। याद रखिए, राज्यसभा का, ना कि पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का मेंबर जब मैं बोलूँगा आपसे तो उसमें लोकसभा भी आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि वो बंदा जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है, वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। और इनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी दूसरी कंपनी में या कहीं दूसरी जगह ऑर्गेनाइजेशन में ये काम नहीं करते रहने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, उससे उनकी सैलरी अलग होती है, उनकी कहीं और से फंडिंग्स आ रही हैं। तो इससे क्या होता है, जो वो उनका मेन काम है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालना, उसमें उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जा सकता है किसी काम को करवाने के लिए। तो इस वजह से कोशिश की जाती है कि कोई भी जो अच्छी एक बड़ी पोस्ट पर बैठा है इंडियन गवर्नमेंट की, वो किसी भी तरीके से किसी और दूसरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली पोस्ट को होल्ड ना करे, वो सिर्फ एक ही काम करे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें दिया हुआ है। और चौथी बात कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऑब्वियस वाली बात है, अगर कोई इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है तो हम ये चाहेंगे कि वो इंडिया का ही सिटीजन। अभी आपको मैंने बताया था कि हम इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिससे कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव में जो बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सारे के सारे उस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से सबसे पहले क्या होगा, 20 मेंबर्स को ही होने चाहिए उस इलेक्टोरल कॉलेज में से, जो कि उनका नाम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए किसी एक आदमी का नाम प्रपोज करेंगे। और फिर दूसरे कोई 20 और दूसरे बंदे चाहिए हमें, जो कि उस नाम को सपोर्ट करेंगे कि हाँ, हम इस आदमी को सपोर्ट करते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े और हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। तो 20 लोग चाहिए जो कि उनका नाम प्रपोज करें, और दूसरे 20 चाहिए जो कि उस नाम को सपोर्ट करें। अब इनकी ओथ के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन सबकी ओथ जो है वो डिफरेंट होती है। जिस तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बोलते हैं कि आई शैल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस तरीके से जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ओथ लेते हैं फॉर एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आप बोलते हो कि आई शैल टेक ओथ फॉर एलिजियंस ऑफ माय फ्रेंड। तो इसके थ्रू आप ये बताना चाह रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने फ्रेंड को डिफेंड करोगे, और जो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, जिससे उसका सबसे ज़्यादा भला हो सकेगा, आप वही काम करोगे। तो इसको कहते हैं एलिजियंस ऑफ फ्रेंड। तो उसी तरीके से आप एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात कर ली कि कैसे इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, और वो ओथ लेते हैं कौन सी वाली, मतलब सबकी अलग अलग ओथ होती है, तो इनकी एलिजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ होती है। तो इसी तरीके से हम रिमूवल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उनके रिमूवल के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो तीसरा पॉइंट है ये आगे होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि अगर हमें कोई भी एक्शन लेना है वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो सबसे पहले हमें 14 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, अपनी बात रख सकें कि मैंने ये जो आप बोल रहे हो ऐसा मैंने नहीं किया है, या फिर मेरा इंटेंशन कुछ और था, या फिर जिस तरीके से भी वो अपनी बात को प्रूव करेंगे, उसके लिए उनको 14 दिनों का एडवांस नोटिस दिया जाता है। ताकि ऐसा ना हो कि आपने एक झटके से बोला कि अब तो हमने आपको हटा दिया है, कल से आप वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये कंपनी तो नहीं है,
या देश का मामला है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, हम वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो हम उन्हें 14 दिनों का एडवांस नोटिस देंगे ताकि वो अपने आप डिफेंड कर सकें। उसके बाद फिर जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो राज्यसभा जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ। अब रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पास करना, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ से राज्यसभा अपना ये रेजोल्यूशन पास करेगी, उसके बाद फिर लोकसभा उसके ऊपर जांच करेगी। कभी भी क्या होता है, एक सदन हमेशा पास करता है और दूसरा जो सदन होता है पार्लियामेंट का, वो उसकी जाँच करता है, तहकीकात करता है कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। तो जब वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात होगी तो हमेशा जो पहला रिजोल्यूशन है वो राज्यसभा से ही पास होगा, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होगा, लोकसभा में वो रिजोल्यूशन जाएगा और जब लोकसभा अपनी जांच पूरी कर लेगा तो उन्हें एक सिंपल मेजोरिटी के साथ उस रिजोल्यूशन को पास करना है। सिंपल रिजोल्यूशन क्या होता है, हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो दोस्तों ये 2-3 आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। वैसे इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आता है आर्टिकल 63 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जो इलेक्शन प्रोसीजर है वाइस प्रेसिडेंट का, वो आता है आर्टिकल 66 के अंदर इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। इसी तरीके से जो ओथ होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो आती है आर्टिकल 69 के अंदर। तो आप ये तीनों याद कर सकते हैं, वैसे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि UPSC में तो कभी भी नहीं पूछी जाएगी। हालांकि स्टेट PCS की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ और फैक्ट्स के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो चांसलर होते हैं, हमारी इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबके एक्स ऑफिसियो चांसलर हो जाते हैं। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होगी, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर JNU हो गई, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, ये सब कौन सी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इन सबके एक्स ऑफिसियो चांसलर आप कह सकते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है कि जितने भी इंडिया की फॉरेन डेलीगेशंस होती हैं, यानी कि हमारा जो इंडिया वाले जो किसी भी दूसरे देश में जाते हैं ताकि वो इंडिया की बात रख सकें, उनके दूसरे देश का ओपिनियन जान सकें इंडिया के बारे में, वो फॉरेन डेलीगेशंस हमेशा एक देश से दूसरे देश को आते जाते रहते हैं। तो इंडिया से जो भी डेलीगेशन जाता है उनके जो हेड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी लोग जाते हैं उनका जो हेड करता है उनको, जो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। और तीसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में क्या होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के सामने, उनको अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाबदेही एग्जीक्यूटिव को देनी पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव जो है वो जवाबदेह होता है सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो भी उनसे लेजिस्लेचर पूछेगा। और ये कहाँ पे होता है, ये जो सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब दिया जाता है, ये होता है लोकसभा में। लेकिन जो आपने पता है कि जो इनका इलेक्ट्रल कॉलेज होता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का, उसमें लोकसभा भी शामिल है और उसमें राज्यसभा भी शामिल है, और दोनों सदन मिलकर के कोई कानून बनाते हैं, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, और वो आंसरेबल किसको होता है, लेजिस्लेचर को, यानी कि लोकसभा को। कोई भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो राज्यसभा को कभी भी जवाबदेही उनकी तय नहीं होती है राज्यसभा के सामने, वो हमेशा लोकसभा को जवाब देते हैं। तो इस तरीके से आप एक बोल सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो रह गया है, उसके बाद फिर अपनी वीडियो को रैप अप करेंगे। तो जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये कभी मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो प्रेसिडेंट की पोस्ट को 6 महीने के लिए वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने के लिए वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर सकते हैं जो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट हैं। जबकि हमने इसको जहाँ से कॉपी किया है, यानी कि USA से कॉपी किया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर उनके प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो उनके यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तब तक के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है जब तक कि उसका पूरा कार्यकाल जो 4 साल का वहाँ पर राष्ट्रपति का होता है वो कंप्लीट ना हो जाए। जबकि इंडिया में क्या होता है कि चाहे अभी 5 साल में से 1 साल ही कंप्लीट हुआ है अभी, और मान लीजिए कि 4 साल बाकी हैं अभी प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा होने में, और तभी उनकी मान लीजिए कि डेथ हो जाती है, तो जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनकी पोस्ट पर बैठ जाएंगे प्रेसिडेंट की। लेकिन मैक्सिमम ये कितने दिनों के लिए बैठ सकते हैं, सिर्फ 6 महीने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि ये अगले बचे हुए 4 साल पूरे के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे, ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही प्रेसिडेंट की भूमिका निभा सकते हैं, और उन 6 महीनों के अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए ताकि वो वापस आकर के अपना कार्यकाल चालू करें, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ही वापस चले जाएंगे। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि जो भी इंसान जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जाएगा वो ऑटोमेटिकली ही चेयरमैन बन जाएगा कहाँ का, राज्यसभा का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी
जो कि मैंने आपको बता दिए हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देखने के लिए। और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसमें हम आपको UPSC या फिर इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।